निकालने के बाद भट्टा मालिक ने दर्जनों मजदूरों को किया बेघर। मजदूर भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। होडल हसनपुर मार्ग गांव खिरबी के निकट स्थित एक ईंट भट्टा मालिक ने अपना काम निकल जाने के बाद दर्जनों मजदूरों को उनके परिवार सहित भट्टे से बाहर निकाल दिया। मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मजदूरों ने मामले की शिकायत होडल थाना पुलिस को दी। पुलिस भट्टा मालिक से पूछताछ करने में जुटी है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ना तो भट्टा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकी है और ना ही उन मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलाने व उनको उनके घरों तक पहुंचाने में कोई इंतजाम कर सकी है। गांव खिरबी के निकट स्थित भारती भट्टा के मालिक कोसी कला निवासी यशपाल ने मजदूरों से अपना काम निकलवाने के बाद दर्जनों मजदूरों को मजदूरी दे बगैर ही उन्हें भट्टे से बाहर निकाल दिया। मजदूर अपने परिवार की महिलाओं व बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। शनिवार को भट्टे के दर्जनों मजदूर होडल थाने में पहुंचकर भट्टा मालिक के खिलाफ शिकायत दी। मजदूरों ने यहां पुलिस को दी शिकायत में भट्टा मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मालिक ने पिछले कई महीनों से हमारी मजदूरी नहीं दी है और ना ही हमें खाना पीना पानी दे रहा है। जब भी भट्टे पर मौजूद मुनीम से मजदूरी मांगते हैं तो वह हमें गालियां देकर वहां से भगा देता है। इसके अलावा मालिक भी उनसे गाली गलौज से बात करता है। मजदूरों ने बताया कि भट्टा मालिक से जब हमने जाने के लिए कहते हैं तो वह लॉकडाउन की बात कहकर हमें खाना व मजदूरी दे बगैर ही हमसे ज़बरदस्ती कार्य कराता है। उन्होंने बताया कि आज हम कैसे कैसे भट्टा मालिक के चुंगल से आज़ाद होकर थाने तक पहुँचे हैं। हमने थाना प्रभारी को शिकायत देकर भट्टा मालिक से मजदूरी दिलाने व उनको उनके घरों तक पहुँचाने की गुहार लगाई है। इस मामले में थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास का कहना है कि मजदूरों की शिकायत उन्हें मिल चुकी है। उन्होंने भट्टा मालिक को थाने में बुलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर भट्टा मालिक ने मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। क्या मामला, आप जो परिवार के साथ में बाहर घूम रहे हो? मालिक हमें प्रताड़ित कर रहा है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? यही मालिक लोग। कौन से मालिक? यशपाल और ये बबलू और काका बोलते हैं मालिक का नाम अशोक। अच्छा, किस भट्टे पे काम करते हो आप? हाँ, भट्टे पे काम करते। क्या नाम है भट्टे का? भट्टे का हनुमान भट्ट। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग हैं जिन्हें भट्टे से निकाल दिया गया है? कम से कम 25-30 आदमी लगभग, बच्चे अच्छे करते। क्या कहता है भट्टा मालिक? भट्टा मालिक बोल रहा है कि मतलब एक भी पैसा वैसा नहीं मिलेगा, गाली गलौज दे रहा है और पैसा मांगने जा रहे हैं तो हमें मतलब ना मारने की धमकी और ना दही माँ बहन का गाली दे रहा है। पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो तुम्हारे थाने में कंप्लेन करी है आपने? होटल थाने में? थाने में कंप्लेन किए हैं। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस बोल रहा है कि मतलब चले जाओ साथ में, मान रहे हैं लोगों को बात। अच्छा, पुलिस मालिक का साथ दे रही है? भट्टा मालिक का साथ दे रही है पुलिस? वो मतलब मालिक का भी नहीं साथ दे रहा है, वो बोल रहा है कि मालिक के साथ में चले जाओ, हिसाब कर कर देगा। अच्छा, अब आप मालिक, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ के। तो आप यहाँ कैसे घूम रहे हो अपने परिवार के साथ में? काम कर रहे हैं सर। कौन से भट्टे पे काम करते हो? हनुमान भट्टा। हनुमान भट्टा कहाँ खिरबी में है जो भट्टा? हाँ। तो फिर आपको कैसे मालिक ने निकाल दिया, पैसे वगैरह नहीं दिए? सब नहीं दे रहा है, राशन नहीं दे रहा है, राशन के लिए पैसे नहीं है, पानी टंकर नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो आप सारे परिवार बच्चों के साथ में घूम रहे हो? हाँ, तो थाने में एप्लीकेशन दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या कह रहा थानेदार? मालिक वगैरह से कोई बातचीत वगैरह हुई है कि नहीं? नहीं, नहीं हुआ। क्या नाम है भट्टे के मालिक का? नाम क्या है? यशपाल। यशपाल है।